स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी चैनल पर, विच इज़ अ पार्ट ऑफ वन अकेडमी। अपना ये जो आज का 10 बजे का सेशन है, इसे करते हैं स्टार्ट। और डेफिनेटली आप सभी को बताया, आज 5 बजे, 8:30 बजे और ये 10 बजे वाला सेशन कुछ इस तरीके से होने वाला है। ड्यू टू द रीज़न सिक्योरिटी, अपना सेफ्टी होनी चाहिए कि हम सेफ रहेंगे तभी आपको पढ़ा पाएंगे ढंग से। लेकिन इशू कोई नहीं है, 25 के 25 क्वेश्चन जो होते हैं वो होंगे, और वो सभी क्वेश्चन उसी लेवल पे होंगे। आपको उसी तरीके से कमेंट करना है, हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है। तब जब तक ये थोड़ा सा इशू का ओवर नहीं हो जाता है कोरोना का, तब तक कुछ इस तरीके से क्लासेस आएंगे। लेकिन क्लासेस स्टॉप नहीं होंगे, बिकॉज सन अकेडमी इज़ विद यू एंड वाईफाई स्टडी इज़ विद यू। आपका किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होने वाला स्टडी से रिलेटेड, आपको हमेशा पढ़ाया जाएगा। कंटिन्यूटी आपकी बनी रहनी चाहिए प्रिपरेशन को लेके। अपनी जो 10 बजे वाली क्लास है वो चल रही है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी आपको पता ही है कितने बजे होती है, 11 बजे नेक्स्ट क्लास होगी। तो वो किस पे होगी, स्टूडियोज पर। ठीक है, देखते हैं अपने क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी, जिससे आप जुड़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, 25 के 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मे बी ये मंडे को सीएचएसएल में इसमें से एक क्वेश्चन या 4 या 2 क्वेश्चन इसमें से आपको मिल जाए। 25 के 25 क्वेश्चन को देखिएगा। वेयर डिड महावीर एस्टेब्लिश द जैन संघ, महावीर के द्वारा जैन संघ की स्थापना की गई थी कहां पर, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर, महावीर जो जो जैन थे उनके जैन संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी, बताइए। कुंदग्राम में, वैशाली, पावापुरी या वाराणसी, ये चारों के चारों ही महावीर से संबंधित है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। ये जैनिज्म और महावीर का बुद्धिज्म, जैनिज्म, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं ना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करते हैं, और इसलिए बार बार यही क्वेश्चन मिलता है आपको। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताइएगा। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ पे की थी, जल्दी से कमेंट करिएगा। आंसर क्या है इसका, आंसर इसका पावापुरी। कहाँ पर, पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की गई थी। और महत्वपूर्ण सवाल है जो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, फोकस करिए इन सब चीजों पे, जो जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है आज के। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका, पावापुरी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। विच फॉरनर एंजल डिक्लेयर्ड हिमसेल एज भागवत, कौन से ऐसे फॉरेनर थे, विदेशी दूत थे, जिन्होंने अपने आप को भागवत घोषित किया था। जल्दी से इस सवाल का जवाब दीजिएगा, कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर लिखिए। जितना आप कमेंट लिखेंगे इतना ही आपको अपनी एक्यूरेसी का पता चलेगा, ठीक है। और आपकी एक्यूरेसी ही मैटर करती है कि आप सिलेक्शन ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि नॉलेज सभी की होती है, सारे जाते हैं एग्जाम में तैयारी करके, लेकिन उधर जो एक्यूरेसी कॉन्फिडेंस शो करता है, तरीके से कर पाता है चीजों को, तभी यार वो सिलेक्शन हो पाता है, क्योंकि पढ़ाई तो आज के टाइम पर सब बराबर कर रहे हैं ऑलमोस्ट। पता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कौन से ऐसे विदेशी राजपूत थे या दूत थे जिन्होंने अपने आप को भागवत घोषित किया था, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। आंसर क्या है इसका, बहुत से बच्चों ने कमेंट किया होगा इस चीज पे, आंसर क्या है इसका बता देता हूं अभी आपको। आंसर इसका है, क्या है, पॉइंटर ही नहीं हाथ में आ रहा, फिर भी बताते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है हेलियोडर्स, इसका आंसर है हेलियोडर्स ने अपने आप को क्या घोषित किया था, भागवत घोषित किया था। ये इकलौते ऐसे विदेशी दूत हैं जिन्होंने अपने आप को भागवत घोषित किया था। ठीक है, तो दूसरे सवाल का जवाब क्या है यार, बी इसका जवाब है। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन। ऐसे ही आपको डियर स्टूडेंट, आपको जो पूरा सीएचएसएल का थीम मैं आपको बता रहा हूँ, कल मैं आपको कराने वाला हूँ 2-2 घंटे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उन सभी को देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताइए, हु इज द राइटर ऑफ द बुक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के जो राइटर हैं, जो लेखक हैं या लेखिका हैं, वो कौन है, बताइए। क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, लेखिका या लेखक कौन है इस किताब के, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर जल्दी से बताइएगा और ऑब्जर्व करो इन चीजों को। ये सवाल जो पैटर्न में आपको मैं आज क्वेश्चन करा रहा हूं ना, 25 क्वेश्चन जो मैं आज करा रहा हूं, इसी 25 क्वेश्चन के पैटर्न में आपको सीएचएसएल में पेपर देखने को मिलेगा। इस पैटर्न को देख लेना, इसके हिसाब से देखना आपको आंसर कितनी स्पीड में करना है। 25 क्वेश्चन इसलिए कराता हूं क्योंकि आपकी हैबिट बने, एग्जाम में भी उसी तरीके से क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है, किरण दास इसका आंसर है। ठीक है, किरण दास के द्वारा, किरण देसाई के द्वारा, सॉरी किरण देसाई के द्वारा
द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये जो किताब है ये लिखी गई है, लेखक कौन है, किरण देसाई इसकी लेखक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या हुआ, ए इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कलिंग अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर बताइएगा, कलिंग अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, जल्दी से बताइए सवाल का जवाब क्या है। कलिंग अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, ये तो आसान हो गया क्वेश्चन, किस फील्ड में, साइंस की फील्ड में दिया जाता है। इसको मैं स्किप मारूंगा क्योंकि मैंने आपको पहले भी ये क्वेश्चन करा रखा है। ठीक है, ठीक है, एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन। इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, IOA के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 2020 में ओलंपिक्स जो है उसके हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के मुख्यालय कहाँ पर हैं, बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट करिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इस सवाल पर जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर, आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का, आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का, बड़ा आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर क्या है इसका, लुसान इसका आंसर है। कहां पर है इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, लुसान में इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, और जितने भी बच्चे अन अकेडमी पर, देखिए अब ये जरूरी हो गया है क्योंकि हम ऑफलाइन जाना शायद हमें इस टाइम बंद कर देना चाहिए ड्यू टू द सेफ्टी रीजन, क्योंकि आप जितनी गैदरिंग करेंगे उतना ही आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो डेफिनेटली आप ऑनलाइन पढ़िए, अपनी प्रिपरेशन को रोकिए मत। आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और कोड यूज करेंगे, कॉमन कोड रहेगा। ये किसके लिए है कॉमन कोड, कोरोना वायरस से बचने के लिए भी है। Wi-Fi 2020 कोड को आप यूज कर सकते हैं, गेट 10% ऑफ, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए आप सब्सक्रिप्शन ले, SSC, रेलवे या DRDO, सभी में आपको यूज करना है। रेफरल कोड पूछा जाता है, उसमें यूज करिएगा Wi-Fi 2020। ये कोड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। हु इज द राइटर ऑफ बुक वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन ये जो किताब है इसके लेखक कौन है, जल्दी से बताइए इस किताब के लेखक कौन है, राइटर ऑफ द बुक वेल्थ ऑफ नेशन। क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन पर, आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर सिक्स का, वेल्थ ऑफ नेशन किताब किसके द्वारा लिखी गई है, और बहुत फेमस सवाल है और बहुत ही इजी, आसान भी, आसान है इसका आंसर, सभी को पता होगा इसका आंसर क्या है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर है एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ इसका आंसर है, और ये सभी को पता होगा शायद, एडम स्मिथ के द्वारा ये किताब लिखी गई है, वेल्थ ऑफ नेशन। इकोनॉमिक्स की ये जो टर्म्स हैं ये सब इसी में ही पाए जाते हैं, वेल्थ ऑफ नेशन में। एक और सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ लोकसभा, लोकसभा के पहले प्रेसिडेंट कौन थे। बताइए, प्रेसिडेंट पूछा गया है यहाँ पर, दिमाग में रखिएगा, स्पीकर नहीं पूछा गया है। कई बच्चे स्पीकर देख के जीवी मावलंकर आंसर लगा के आते हैं, जल्दी से क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर क्या है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ लोकसभा क्या है, बताइएगा। अब बताइए इसका आंसर क्या है, क्या जीवी मावलंकर होना चाहिए फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ लोकसभा में भी। देखिए इधर वर्ड यूज कर रखा है प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट वर्ड यूज कर रखा है, और हिंदी में दे रखा है अध्यक्ष। प्रेसिडेंट की जगह स्पीकर आ सकता था, ठीक है, स्पीकर भी वर्ड आ सकता था क्योंकि इधर अध्यक्ष दे रखा है, तो आंसर जीवी मावलंकर ही रहने वाला है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, आंसर जीवी मावलंकर ही रहने वाला है क्योंकि अध्यक्ष शब्द यूज कर रखा है। ठीक है, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के लिए इधर एग्जैक्टली फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा होना चाहिए था। एक और बताइए, खाइबर पास कहां पर लोकेटेड है, बताइए खाइबर पास कौन सी दो कंट्री के बीच में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर एट, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, जल्दी से कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को आना चाहिए ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइएगा सारे के सभी। ठीक है, आंसर अगर हम चाहें तो देख सकते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर एट का आंसर सी है, बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये पास है। देखते हैं एक और क्वेश्चन इसके बाद, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा।
विंध्या शक्ति वॉज फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी, बताइए इन एंशियंट इंडिया। विंध्या शक्ति प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन से राजवंश के संस्थापक थे, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजवंश कौन सा है जिसके ये संस्थापक थे, जल्दी से बताइए। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी ऐसे क्वेश्चन ही आपके पेपर में पूछे जाते हैं। बहुत से बच्चे मुझे बताते हैं कि हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं 5 या 6 क्वेश्चन आपकी सीरीज के मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली इसको यूटिलाइज करो। आप मॉक टेस्ट भी देते हो, वहां पे भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है, वक्तक। वक्तक जो है इसके संस्थापक थे, विंध्या शक्ति वॉज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी, आंसर क्या है, वक्तक जो है इसके संस्थापक रहे हैं। देखते हैं एक और क्वेश्चन इसके बाद, ठीक है एक और क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया, ये वाला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। एक और क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10, विली विली साइक्लोन इज रिलेटेड टू विच कंट्री, बताइए कौन से कंट्री से रिलेटेड है, बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर, किस कंट्री में ये साइक्लोन आता है। ऐसे यूरोकोन हो गया, ठीक है ये सब साइक्लोन आपको मिलते हैं। मैंने एक क्वेश्चन कराया भी था आपको, हीरोकोन ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है, अभी 5 बजे वाले सेशन में ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। विली विली साइक्लोन किस कंट्री से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइएगा, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 10th की अगर मैं बात करूं तो विली विली साइक्लोन किसके द्वारा, ऑस्ट्रेलिया में ये साइक्लोन आता है, तो आंसर क्या है, ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इन विच रिवर नाइगर वाटर इज ऑब्टेन्ड, नाइगर वाटर जो है ये कौन सी नदी से मिलता है, नाइगर वाटर कौन सी नदी से मिलता है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, आंसर क्या है, बहुत नाइगर फॉल जो है ना, नाइगर फॉल का जो वाटर है वो कौन सी नदी से आता है, डायरेक्टली ये पूछा जा रहा है। नाइगर फॉल बहुत ज्यादा फेमस है, जलप्रपात है, ठीक है जलप्रपात जो है नाइगर जलप्रपात वो बड़ा फेमस है, और किससे है, जल्दी से एक बार कमेंट करो, नहीं तो मैं तो बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है, जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन, कमेंट करिएगा नाइगर फॉल जो है उसका वाटर कौन सी नदी से आता है, जल्दी से कमेंट करिएगा। आंसर क्या है इसका, सेंट लॉरेंस इसका आंसर है। आंसर क्या है, सेंट लॉरेंस इसका आंसर है, ये पूछा जाता है सेंट लॉरेंस क्या है, इसका आंसर है सेंट लॉरेंस नदी से ये नाइगर फॉल ओरिजिन होता है, बड़ा फेमस जलप्रपात है, बहुत ही प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है अगर मैं बोलूँ तो। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12, शिपकिला पास जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, कौन सी स्टेट में, बड़ा प्यारा क्वेश्चन आएगा पेपर में CHSL में किसी ना किसी तरीके से पास का क्वेश्चन, तो पता होना चाहिए शिपकिला पास जो है ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, कौन से राज्य में स्थित है शिपकिला पास, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, शिपकिला पास कौन से राज्य में स्थापित किया जा चुका है, ठीक है कहां पे शिपकिला पास, दर्रा जो है या कहां पर है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या है, ए इसका आंसर है, शिपकिला पास कहां पे बच्चे, ए इसका आंसर है सिक्किम में है शिपकिला पास, ठीक है सिक्किम में शिपकिला पास है, पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए शिपकिला पास कहां पे, सिक्किम में है, ठीक है एस से एस सिक्किम आप याद रख सकते हैं। कौन सा कोल प्रोडक्शन एरिया एग्जैक्टली सही से मैच नहीं कर रखा, कहने का मतलब है ये एक तरीके से साइट है और ये किस स्टेट में है, ठीक है साइट और स्टेट का क्वेश्चन है, ये साइट है और ये स्टेट है, कौन सा सही से मैच नहीं कर रखा, यानी कि साइट या स्टेट का मैचिंग सही नहीं है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, और बहुत फेमस चारों की चारों साइट बहुत ज्यादा फेमस है, आपको पता होनी चाहिए चारों की चारों साइट के बारे में, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखिए दिमाग में रखिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बी है, ठीक है क्योंकि बी धूले राजारा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये कोल की साइट साउथ में पाई जाती है, तो भैया ये सही है, खुद्रमुख कर्नाटका में है, आलमंड माउंटेन उड़ीसा में है, नौमुदी झारखंड में, झारखंड लिखा हुआ है ये, झारखंड लिखा हुआ है ये, ठीक है ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए, बी इसका आंसर है। और बच्चे जितने बच्चे नए हैं वो मुझसे जुड़ सकते हैं,
पीडीएफ अगर बच्चे को चाहिए किसी भी तरीके का, मेरी क्लास के सारे लिंक्स टेलीग्राम चैनल पर आते हैं, मुझसे गाइडेंस लेनी है, मुझसे बात करनी है, तो आप इस नंबर पर, इस ये जो टेलीग्राम चैनल है इस पे अवेल कर सकते हैं, अमन सर वाईफाई स्टडी के नाम से ये जो टेलीग्राम चैनल है इसे ज्वाइन करिएगा, और साथ के साथ क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है? टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं आप अमन सर वाईफाई स्टडी। 14वें क्वेश्चन का आंसर क्या है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 सेंसस के अनुसार, जनगणना के अनुसार, व्हाट परसेंटेज रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया इज टोटल पॉपुलेशन, पूरी जनसंख्या की ग्रामीण जनसंख्या कितनी है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जल्दी से बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि पूरी जनसंख्या कितनी है। देखिए आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 14 का, बी है इसका आंसर 60, बी इसका आंसर है 68.8 जो है जनसंख्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या है, बी इसका आंसर है 68.8। खासी ट्राइब जो है, कासी ट्राइब जो है ये कहाँ पर पाई जाती है, कौन से राज्य में कासी ट्राइब पाई जाती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने सुना होगा गैरो कासी जयंती, ठीक है? ये तीन माउंटेन्स हिल्स हैं जो कि पाई जाती हैं एक साथ ही। अब आपसे पूछा गया खासी ट्राइब जो है वो कहाँ पे पाई जाती है, कौन से स्टेट में ये पाई जाती है, बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से कमेंट करिएगा। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन के अगर मैं आंसर की बात करूं तो आंसर इसका है मेघालय, मेघालय इसका आंसर है, दिमाग में रखिएगा, मेघालय राज्य में ये ट्राइब्स पाई जाती है, तो आंसर क्या है मेघालय इसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, द थर्ड लार्जेस्ट स्पोकन इन इंडिया, बताइएगा भारत में बोले जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी बोली कौन सी है, और क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या है, मराठी बोली जाती है, ठीक है? एक और क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द मोनेस्ट्री बिल्ड बाय शंकराचार्य इज नॉट लोकेटेड, शंकराचार्य ने बहुत जगह पे मोनेस्ट्री बनाई है, ठीक है? मठ बनाया है, मोनेस्ट्री को हम क्या कहते हैं, मठ, पुराने जमाने में मठ बनाए जाते हैं, मोनेस्ट्री कहते हैं उसको, ठीक है? जो मोनेस्ट्री बनाई है शंकराचार्य ने, इनमें से किस में नहीं बना रखे, कौन सी जगह पे नहीं बना रखे शंकराचार्य के द्वारा, कौन सी जगह मोनेस्ट्री नहीं बनाई गई थी, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कौन सी जगह पे मोनेस्ट्री नहीं बनाई गई थी शंकराचार्य जी के द्वारा, देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जल्दी से देख लेते हैं, आंसर क्या है इसका, 20 का आंसर है केदारनाथ, ठीक है? केदारनाथ में नहीं बनाई गई है, बाकी श्रीनगरी पूरी द्वारका हर जगह पे शंकराचार्य के द्वारा मोनेस्ट्री बनाई जा चुकी है, तो आंसर क्या है इसका, इसका आंसर बी है, देखते हैं एक और क्वेश्चन इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 18, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी होती है, यूरिया में नाइट्रोजन कितने परसेंट होता है, बताइएगा नाइट्रोजन कितने परसेंट होता है यूरिया में, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए, नाइट्रोजन कितने परसेंट है यूरिया में, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताना जल्दी से, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बहुत ज्यादा, 18वें क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। देखिए यूरिया में नाइट्रोजन की परसेंटेज अगर बोल जाए तो 46% है, तो सी इसका आंसर है, 46% मात्रा होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच एसिड सब्सटेंस इज फाउंड इन विनेगर, आसान क्वेश्चन है, विनेगर में कौन सा एसिड सब्सटेंस पाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या है, बिल्कुल आसान हो गया क्वेश्चन, एसिटिक एसिड पाया जाता है, कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है किसमें, विनेगर में, ठीक है? एसिटिक एसिड पाया जाता है विनेगर में, देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, कैल्शियम कार्बेट में अगर हम पानी डालते हैं तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रोड्यूस बाय पॉरिंग वाटर ऑन द कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड में अगर हम पानी डालेंगे तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या है, जल्दी से, आसान है क्वेश्चन, बता सकते हैं इसका आंसर क्या है, कौन सी गैस प्रोड्यूस होने वाली है अगर मैं कैल्शियम कार्बाइड में वाटर डालता हूं तो,
क्या इसका आंसर? गैस कौन सी होगी? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या है? डी इसका आंसर है एसिटिलाइन गैस। ठीक है, कौन सी गैस है? एसिटिलाइन गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी। दिमाग में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी इसका आंसर है एसिटिलाइन गैस, इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 21। हु गेव द डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल? डबल हेलिक्स मॉडल जो डीएनए का है वो किसके द्वारा दिया जा चुका है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ये मॉडल किसके द्वारा दिया गया? डबल डीएनए हेलिक्स स्ट्रक्चर, डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, ठीक है? कुछ ज्यादा ही खतरनाक स्ट्रक्चर बना दिया मैंने तो, ठीक है? ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, डीएनए का, और उसके बाद और आगे जाएगा, ठीक है? अब ये पूछा गया डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसके द्वारा दिया गया, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या है? वैटसन एंड क्रिक, ठीक है? मैंने एक मैराथन कराई थी, उसमें मैंने डीएनए से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कराए थे, उसमें से एक पूछ रहा हूं दोबारा। वैटसन और क्रिक इसका आंसर है, इनके द्वारा डबल हेलिक्स मॉडल दिया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या है? डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 22, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर है, कैमरे में कौन सा लेंस यूज किया जाता है? कैमरे में कौन सा लेंस यूज किया जाता है? जब हम कैमरा यूज करते हैं उसमें कौन सा लेंस यूज किया जाता है? जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताओ। इसका आंसर क्या है? अगर मैं कैमरे की बात करूं तो यार उसमें कौन सा कैमरे में कौन सा लेंस होता है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ए है। कौन सा लेंस होता है? कन्वेक्स लेंस होता है इसमें, ठीक है? कन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल क्या होता है, लेंस होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 23, विच ईयर इज एस्टेब्लिश एज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है सीमा सुरक्षा बल, बहुत हमारे देश की बहुत महत्वपूर्ण एक तरीके से बल है। उसकी स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? बताइएगा क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर जल्दी से बताइएगा क्या है इसका आंसर। ठीक है, आंसर देखते हैं इसका। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या है बच्चे? सी इसका आंसर है 1965 में। कब? 1965 में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना हुई थी। 1965 में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना हुई थी, बीएसएफ जिसे कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण सुरक्षा बल। नोकरेक नेशनल पार्क बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोकरेक नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण सवाल। नोकरेक नेशनल पार्क कहां पर लोकेटेड है? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइएगा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। और कल ध्यान में रखना, CHSL का बैंक होगा और उसका लिंक जो है, क्वेश्चन बैंक का जो लिंक होगा, क्लास का लिंक आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, अमन सर वाईफाई स्टडी, ठीक है? इन विच ऑफ द स्टेट नोकरेक नेशनल पार्क इज एस्टेब्लिश? आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का क्या है? 20 का आंसर है मेघालय में। कहाँ पे? मेघालय में है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, दिमाग में रखना, वो CHSL का जो बैंक है, क्वेश्चन बैंक, कल लेके आऊंगा क्लास में, उसकी टाइमिंग और वो सब रात की होगी। इस टेलीग्राम चैनल पर लिंक मिल जाएगा, मैं स्पेसिफिकली बता दूंगा, ठीक है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 का, विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज रिलेटेड टू जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हैंड इन हैंड? हाथों में हाथ एक्सरसाइज किसके द्वारा, कौन सी दो कंट्री के द्वारा? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर, 20 का आंसर है, ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच में होती है हैंड इन हैंड एक्सरसाइज। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, और मुझसे आप अनअकैडमी पे भी जुड़ सकते हैं, आप अनअकैडमी पे जुड़ जाना चाहिए, ऑफलाइन कम करिए, सेफ्टी रिस्क होते हैं बहुत सारे अभी कोरोना की वजह से, ऐसे भी ऑफलाइन से बेटर है आप ऑनलाइन पढ़े घर बैठ के। वाईफाई 2020 यूज़ करिए, कोड रेफरल कोड, टेलीग्राम पर जुड़िए, क्योंकि जो मेरी कल जो क्वेश्चन बैंक लाऊंगा मैं, वो अमन सर वाईफाई स्टडीज टेलीग्राम चैनल पर उसका लिंक भेजूंगा, ठीक है? और CHSL के मंडे के पेपर के लिए वो क्वेश्चन बैंक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो उसको देख लीजिएगा जरूर। और मेरी टाइमिंग 11 बजे अब नेक्स्ट क्लास है, उसको भी मिलते हैं, ठीक है? तो ये आज का सेशन था। सेशन अगर आपको पसंद आया तो यार सेशन को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में 11 बजे। ओके बाय सभी।